चले जाएंगे। सिंगारा सिंगारा आप हंस क्यों रहे हैं? गए हैं बुलाने के लिए। तो मेरा भाई बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि ये जा नहीं पा रहा है। ना गुस्सा, मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई थी? आपको भी हिंदी आती है? यहाँ पे पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती यहाँ की चाय, मतलब यहाँ की सामान लेने लेकर आ रही हूँ। मेरे पापा है। आशीष आईली, नमस्कार। ट्रेन में हम ही बच रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर सामने आपको रोड मिलेगी और साइड में आपको मिलेगी नदियाँ। गाइस, विद अदर साइड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आखिरकार आई गया वो दिन जब हमें अभी निकलना है जाने के लिए, बस थोड़ी देर में 1 आवर लेफ्ट है। सो मैंने नहा धो लिया है एंड हम यह अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे एंड थोड़ी बहुत जो लास्ट टाइम की जो थोड़ी बहुत चीज़ें पैक करनी है वो करेंगे एंड देन फिर हम निकलते हैं। तो बने हुए ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ पर बन रही चाय, इसी को पीकर मैं जाने वाली हूँ। तो मैंने चाय चढ़ा दी, अभी ऑलमोस्ट बन चुकी है क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता। सो बस चाय एंड बिस्किट लेते चलेंगे एंड चीज। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए फुल एंड अभी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, गाड़ी आने वाली है। एंड ये मेरा भाई, ये खा रहा है खाना बिकॉज ये जाएगा बाद में शायद बिकॉज उसको कुछ है काम। सो या अभी बस निकलते हैं थोड़ी देर। तो सामान लग चुका है जाने के लिए, अभी बस हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। पापा गए हैं बुलाने के लिए एंड ये हमारी स्कूटी। तो मेरा भाई बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि ये जा नहीं पा रहा। कोई नहीं, तू आ जाएगा, मुझे विश्वास है। क्यों? मुझे पता है तू आएगा क्योंकि तू बहुत दुखी हो जाता है। आई नो तू बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आंटी आई हुई है हमें देखने के लिए भेजने के लिए। तो बस अभी गाड़ी में सामान रखते हैं एंड देन वी विल लीव। एंड ये रहा मेरा घर, अब बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा। चले जाएंगे। अंकल नमस्ते। बाय। रास्ता भटक चुके हैं स्टेशन का और भटकते भटकते हम पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। चलो कोई नहीं, इसी बहाने हमने पूरा राष्ट्रपति भवन भी घूम लिया। मम्मी आप हंस क्यों रहे हैं? पर खा रही है से स्टेशन पर घूम रहे हैं क्योंकि ट्रेन आनी है अभी बहुत टाइम से। लेकिन हमारी नहीं है। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है, टाइम पे आई है। तो यार हम 8 आवर्स से Thank you.
The next morning. Good morning everyone. So train में हो चुका है मुझे next day and यार जैसे मैंने उठा मुझे लगा कि 9-10 बज चुके होंगे, लेकिन टाइम जैसे मैंने देखा कि उस टाइम सिर्फ 6:30 हो रहे थे ना, वो शॉक। मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई, क्योंकि यूजुअली मेरी टाइम मतलब मेरी जो नींद है इतनी जल्दी नहीं खुलती है, घर में अराउंड 9 बजे के आसपास खुलती है। बट या ट्रेन में टाइम कट ही नहीं रहा है। ऐसा सेम इंसिडेंट मेरे साथ कल भी हुआ जब मैं ट्रेन में बैठी, उसके बाद मैं सो गई थी 3 बजे के आसपास एंड 4 बजे मेरी नींद खुल रही है और मुझे लगा 6-7 बज रहे होंगे। एनीवेज रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जब हम दिल्ली से चले थे उस टाइम बहुत भयंकर गर्मी थी। तो अभी बालेश्वर स्टेशन आ चुका है, ये बेसिकली उड़ीसा में ही पड़ता है एंड यहाँ पर अभी हम उतरेंगे एंड थोड़ा नाश्ता वगैरह खरीदेंगे। तो या अभी मैं बाहर उतरी हुई हूँ, ड्यूटी स्टेशन आया हुआ है बालेश्वर। सिंगाड़ा सिंगाड़ा नेक्स्ट टेस्ट की कैसा है, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, गाँव में मिलता है मैं खाती हूँ, यहाँ का भी टेस्ट कर लेते हैं स्टेशन। इट्स वेरी टेस्टी, पहुंच चुके हैं, पूरा स्टेशन हो चुका है खाली, बस ट्रेन में हम ही बच रहे हैं। यू कैन सी, तो जाने से पहले मैं थोड़ा मुंह वगैरह धो लेती हूँ और हमारे आने की खुशी में देखो बारिश भी हो चुकी है। तो हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर एंड ये देखें यहाँ बारिश हो रही है। और ये है हमारा ऑटो, इसमें हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पापा खरीद रहे हैं फ्रूट्स ले जाने के लिए घर पे, और ये पापा आ रहे हैं लेकर। यहाँ पर हम रुके हुए हैं टी ब्रेक के लिए, अभी हमारी चाय बन रही है। एंड मैं आपको यहाँ का आसपास का पूरा एरिया दिखाती हूँ, देखिए। एंड हम यहाँ पर रुके हुए हैं, बट मुझे इसका नाम नहीं पता। ये रही हमारी चाय, देखते हैं कैसे। वैसे पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती यहाँ की चाय, मतलब यहाँ की क्या वैसे मुझे मतलब किसी रोड साइड की, क्योंकि कड़वी लग रही है। ये रही मेरी चाय, देखते हैं अच्छी लगती है, लेकिन वैसे रोड मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। गर्म है तो जैसे कि मैंने सोचा था कि चाय कड़वी होती है और कड़वी ही निकली तो मैं नहीं पी सकती, मम्मी पी लेगी इसे, मैं खा रही हूँ, ये ही बड़े टेस्टी है। तो अभी और कोई शॉप हमें मिली नहीं और हम अभी तो हमने यहाँ से खरीद लिया है ये, इसको कहते हैं पोड़ो। एंड द वेदर इज सो ऑसम, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए नारियल के पेड़, अब तो अभी देखने को मिलते ही हैं। ये कितना लगा? 10 रुपए में। सो अब मैं करने वाली हूँ इसे टेस्ट। ये है बेटी, बैठ जा। अच्छा अच्छा, दे दे। आपको भी हिंदी आती है? यहाँ पर सामने आपको रोड मिलेगी और साइड में आपको मिलेगी नदियाँ, एज ए प्रिंस गाँव में ऐसे ही देखने को मिलता है, इवन शहरों में भी एट द रिवर नाउ। हम कर चुके अपने गाँव में एंटर एंड ये है गाँव की नदी,
हॉस्पिटल यहीं पास में और हमारा घर वहीं आने वाला है और हम चल पड़े हैं। एंड हियर आई रीच्ड आशीष आईली। नमस्कार, ये रही मेरी बहन और ये रही मेरी एक और बहन जो सामान लेने लेकर आ रही है। मेरे पापा है खुड़ी बार बुला ले आप फिर बजा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर, अब थोड़ा फ्रेशन अप होंगे एंड खाना वगैरह खाएंगे एंड देन हम अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, नॉट ये एक्चुअली हम दो दिन से ट्रेन में है तो ये दो दिन का है। सो या होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।